हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 63वां स्थान। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, कौन से देश में बिजनेस करना कितना आसान है उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो इसमें भारत 63वें स्थान पर है। तो अभी हाल में विश्व बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है, जिसमें 190 देशों को शामिल किया है। तो इसमें भारत 190 देशों में से 63वें स्थान पर है। और 2018 में भारत इसमें 77वें स्थान पर था। तो यानी कि इस बार 14 स्थानों की सुधार हुआ है इस बार। और इसमें भारत 2017 में 100वें स्थान पर था, 2017 में 100वें स्थान पर था, 2018 में 77वें स्थान पर, और अब इसमें भारत आ गया है 63वें स्थान पर। यानी कि हर साल भारत इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और इसमें भारत 63वें स्थान पर है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, और इसमें तीसरे स्थान पर है हांगकांग। और अगर बात करें इसमें सबसे लास्ट स्थान पर कौन सा देश है, यानी कि 190 स्थान पर, तो इसमें 190 स्थान पर है सोमालिया। और इस रैंकिंग को विश्व बैंक ने जारी किया है। तो मैं आपको विश्व बैंक के बारे में बताता हूँ। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में, और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगला प्रश्न, यूरोपीय संसद द्वारा शखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है इल्हाम तोती को। यह इल्हाम तोती और ये चीन के हैं। तो चीन के इल्हाम तोती को यूरोपीय संसद ने शखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। शखारोव पुरस्कार, ये पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार उन लोगों और समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो यूरोपीय संसद ने इल्हाम तोती को शखारोव पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2019 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 58वां। तो अभी हाल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए 2019 में इसकी 58वीं स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कुछ महीने पहले बने थे SS देसवाल, मैंने आपको बताया था। तो आप ध्यान रखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। जब इसका नाम बदलने की घोषणा की गई थी, तब भी मैंने आपको बताया था चेनानी नासरी सुरंग ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये जम्मू कश्मीर में NH 44 पर ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग। और इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर, और ये सुरंग 2017 में बनकर तैयार हुई थी। तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो इन्होंने 1951 में भारतीय संघ की स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की थी। और ये धारा 370 के खिलाफ थे, धारा 370 के खिलाफ थे ये, और इन्होंने इसको खत्म करने के लिए भी संघर्ष किया था। तो अब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई जा चुकी है, तो इसलिए इनको श्रद्धांजलि देने के लिए
इस चेनारी नासिरी सुरंग का नाम, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है? तो कन्या सुमंगला योजना इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना के तहत अगर किसी परिवार में एक बच्ची जन्म लेगी तो उस परिवार को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो यह है कन्या सुमंगला योजना, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। बात यह उत्तर प्रदेश की, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चाचरी और चैता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल चंबल अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, और रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। और गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है अरविंद सिंह को। तो अरविंद सिंह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो अब इसका नया अध्यक्ष अरविंद सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, फिच इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 5.5%। तो अभी हाल में फिच इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 5.5% कर दिया है। पहले इसको 6.6% अनुमानित किया था, तो अब इसको घटाकर 5.5% कर दिया है। अगला प्रश्न, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब ने किसे हाल ही में आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी को। तो अभिजीत बनर्जी, यह है अभिजीत बनर्जी। तो अब ये मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के जीवन भर के लिए सदस्य बन गए हैं। अभिजीत बनर्जी, अभी 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो अब ये मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के आजीवन सदस्य बन गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था पंकज कुमार। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो इसका सही आंसर था आईआईटी बॉम्बे। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।